तो उत्तराखंड में बीजेपी ने परचम लहराया, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी कमल खिला, लेकिन तमाम सवाल अभी भी सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि उत्तराखंड का ताज अब पहने का कौन, जब धामी खुद चुनाव हार गए। लेकिन इन सवालों के इतर एक सवाल यह भी बड़ा है कि जो विधायक चुनावी रण में चुनावी हुंकार भर रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन मोदी लहर ने एक बार फिर उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया, यानी कि विधानसभा, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत, तमाम हॉट सीट, लेकिन उनमें से एक हॉट सीट देहरादून की राजपुर सीट भी थी, जिस पर दो धुरंधर आमने सामने थे। एक तरफ राजकुमार, जो कांग्रेस के चेहरा थे, जो चुनाव जीतने के लिए बेताब थे, और दूसरी तरफ खजानदास, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक, पूर्व मंत्री, और एक बार फिर से चुनावी रण में जीत के लिए हुंकार भर रहे थे। और खजानदास एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वो इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा रुख करेंगे खजानदास जी के पास। खजानदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, और सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां एक बार फिर से विधायक बनने के लिए। प्रणाम। कैसे साहब, आपको बहुत सुना है जैन टीवी से लेकर के, और आपको सुनने का मन करता है मेरा, और आपका जो बोलने का तरीका है उसको मैं सलाम करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया खजानदास जी, बहुत लंबे अरसे बाद आपसे मुखातिब हुए। एक लंबा दौर मैंने भी आपका देखा है संघर्ष का, कई चुनौतियां पार की हैं आपने भी, लेकिन इस बार का चुनाव, इस बार की उम्मीदें सवाल खड़े कर रही थी कि क्या खजानदास रिपीट करेंगे या फिर नहीं, उम्मीद थी आपको ईमानदारी से? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़वाती है तो प्रत्याशी नहीं हमारी पार्टी लगती है, पार्टी चुनाव लड़वाती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कुल मिलाकर के मुझे पहले से उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी ने जब चौथी बार मुझ पर विश्वास किया उसके आधार पर मुझे ये आभास था कि भारतीय जनता पार्टी राजपुर सीट जरूर जीतेगी। कुछ होता है कि जब कभी कभी कुछ विरोध की बात भी चलती है, किंतु उसको सबका साथ करके उनका मुकाबला करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम कभी भी सामने वाले को कम नहीं आंकते, उसको एक पहाड़ के समान मानते हैं, फिर धीरे धीरे करके पहाड़ में किस तरह से चढ़ना है, पहाड़ फतेह किस तरह से करना है, ये हमारा लक्ष्य होता है। और इसी के निमित्त जो देहरादून का जनमानस है, हमारी जो मिर्जापुर विधानसभा के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ जो जनता है, उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त किया, और मैं भी इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं उनके विश्वास में किस हद तक मैं खरा उतरूं, ये मेरी कोशिश होगी और ये मेरा कहना है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा फैक्टर था जो खजानदास जी की जीत के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर बना, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपसे उम्मीदें और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, और ऐसी स्थिति में कोई तो ऐसा काम होगा जो खजानदास जी को जीत तक ले गया, कोई एक ऐसा काम? देखिए चावला साहब, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि मैंने कहा कि हमारा संगठन सर्वोपरि है, संगठन और हमारा विचार परिवार, इसके आधार पे मुझे विश्वास था कि मेरा विचार परिवार और मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करने वाला है, और मुझे आभास था कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे। दूसरा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे जनता के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे, जनता के अनुरूप जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जो जिम्मेदारी दी गई एज एक जो एक चौकीदार जिसको हम कहते हैं, उसको जो कहा गया है उसके तहत मैंने काम करने की कोशिश की, ये इस विश्वास के साथ मैं जनमानस के बीच में गया, और जनमानस ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपना सपोर्ट दिया, और विशेष योगदान हमारा युवा हो, हमारी मातृशक्ति का और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, और मातृशक्ति ने जिस हद तक काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, और युवाओं ने जो साथ दिया है उसका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। खजानदास जी, जो हम ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर ही रिपोर्ट कर रहे थे, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपसे जनता बहुत खुश थी, लेकिन जो स्मार्ट सिटी वाला मुद्दा था उससे अधिकारियों से बहुत नाराज थी। अब आपने बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपका बिल्कुल आंकलन सही है,
स्मार्ट सिटी की वजह से, क्योंकि कार्य जो धीमे गति से चला और जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई उसके तहत थोड़ा सा बहुत नाराजगी थी, व्यापारियों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी थी, स्थानीय जनमानस को भी बहुत बड़ा इस पे कभी कभी जो काम होने चाहिए थे, जो जल्दी होने चाहिए थे, त्वरित गति से होने चाहिए थे, चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे पेयजल समस्या को लेकर के हो, चाहे सीवरेज समस्या को लेकर के हो, उसके तहत दिक्कत जरूर हुई है। किंतु मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार पुनः बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की आएगी, हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन और एक बात बताऊं आपको, इंटरनली खजानदास जी, आपके जितने से अधिकारी बहुत जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब एडवाइजर कमेटी की बैठक होती थी उसमें एक सदस्य के रूप में मैं रहता हूँ, हमारे मेयर उसकी अध्यक्षता करते हैं। मैंने बार बार चेताने की कोशिश की, अपने बैठक में बार बार उनको कहा भी कि आप टेक्निकल के हिसाब से काम को सही कीजिएगा, और जो जितना समय जो कंपनियों को आपने दिया है, जो काम करने वाली कंपनियां हैं विभिन्न कंपनियों को, ये भी उस समय कहा था कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करो या वो तीव्र गति लाएं। कभी कभी इन्होंने बात को अनसुना भी किया है, तो इनके कार्रवाई की बात तो मैंने पहले से शुरुआत से ही कर रहा हूँ। कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, स्मार्ट सिटी वाले मामले में कभी हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने गलत किया है उनको नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल ईमानदारी के साथ, आपके चाहने वाले आपको एक बार फिर से मंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी, अचौला साहब, मैं गांव का सीधा साधा आदमी हूं। मैं गांव में किसानी करता था, हल चलाता था, खेती बाड़ी करता था, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उंगली से पकड़ करके चलना सिखाया और आज यहां तक पहुंचाने का काम किया। चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और साथ साथ में संगठन में बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद दिए, यहां तक कि जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, दूसरी बार मैं उपाध्यक्ष हूँ, आज भी उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का। और इसके लिए मैं अपने संगठन का प्रति किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं कि मुझे बहुत कुछ पार्टी ने दिया है, लेकिन आप जो भी पार्टी जिम्मेदारी देना आप, चाहेगी उसको मैं, आप कबूल क्यों नहीं कर रहे आपको इसमें, क्योंकि ये तो खुलेआम चर्चा है कि खजानदास अगर कैबिनेट बनेगी तो उसमें मंत्री भी बनेंगे, ये चर्चाएं हैं। देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है, हमारा संगठन और सरकार ये निर्णय लेगा किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये उनका काम है। मेरा काम जो जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन की तरफ से दी जाएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर। आपको फिर शिक्षा मंत्री बना दे तो कुछ समय तक मेरे पास शिक्षा मंत्रालय भी रहा, 2-3 महीने तक तो पड़ा, उस समय तो 5 किलो वजन, दरअसल मैं सच बता रहा हूँ चावला साहब, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, कसम खा के करो, 5 किलो वजन मेरा कम हो गया था उस समय। नहीं, इस बार ऐसा नहीं, इस बार जो भी जिम्मेदारी देना चाहेगी तो मेरे लिए बहुत कुछ दिया है पार्टी ने। नहीं, इस बार पांडे जी जीत गए चुनाव, इस बार माननीय पांडे जी चुनाव जीत गए। हाँ, ये मिथक तोड़ने का काम चावला साहब, ये पांडे जी ने किया है, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा। अच्छा, एक बात ये कि क्योंकि आपके चाहने वाले लगातार ये बात कर रहे हैं कि खजानदास जी को मंत्री, चलिए आपने कहा कि वो तो, लेकिन एक टीस रह गई कहीं खुशी कहीं गम में, खटीमा से बुरी खबर आई आप लोगों के लिए, नहीं आपको नहीं लगता कि? देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है कि हमारा मुखिया, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव फाइट किया, पुष्कर सिंह धामी जी, वो अन्य उत्तराखंड में पूरे सीटों पे काम करते रहे, 70 सीटों पे उन्होंने काम किया, और उसका रिजल्ट, ये जो मिथक था उत्तराखंड और हिमाचल को लेकर के, कहते थे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, उस मिथक को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय धामी जी और मोदी जी, जो हमारे राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित में जनता ने वोट भी दिया है, उसके तहत उन्होंने उसको उस मिथक को तोड़ने का काम किया। किंतु अपने विधानसभा में जितना समय उनको देना चाहिए था वो समय भी नहीं दे पाए, इसका व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत दुख भी है, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कुछ अच्छा सोचेगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल भी था, और उन्होंने जो निर्णय लिए भी वो बहुत अच्छे निर्णय जनहित में लिए थे, और इतने छोटे कार्यकाल में
और इतना पार्टी का ग्राफ बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने पार्टी को जिताने का काम किया है। कई विधायक उनके लिए सीट छोड़ने तक के लिए तैयार हैं, तो क्या पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि उन्हें ही मुख्यमंत्री? बिल्कुल, पार्टी जरूर विचार करेगी। हमारे दो तीन विधायकों ने इस बात को लेकर के कहा है कि अभी तो 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के अंतराल में इलेक्शन होता है, यदि कोई सीट छोड़ता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपकी इच्छा है कि धामी जी कंटिन्यू करें? हाँ देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने इतना अपने आप को समर्पित करा, समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति भी, और लोगों का एक युवा चेहरा देखना चाहते हैं, और जिस तरह से उन्होंने काम किया प्रदेश के लिए, उस तरह से उनको बिल्कुल बनना चाहिए, यानी कंटिन्यू करना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनको करते। अगर विधायकों में से कोई चेहरा सामने लाने की बात, ये भी चर्चाएं हैं कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चावला साहब, मैं संगठन का आदमी हूँ। जी सर, जो संगठन कहेगा वो सर्वोपरि होता है। संगठन का निर्णय हम सबको स्वीकार करना चाहिए और संगठन के तहत ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं आप नाम नहीं बताएंगे किस नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन दिखाई दिया आपको, खंडूरी जी या फिर धामी जी? देखिए, अपना अपना काम करने का तरीका अलग होता है, किसी का कंपेरिजन करना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप ऐसा मुझसे मत कहलवाएगा। अच्छा कार्यकाल सबका रहा है, अपने समय में सबने अच्छा काम किया है, अपने प्रदेश के हित में काम किया है, और जितना किसी से बन पड़ता था, जितनी किसी की क्वालिटी थी उसके तहत काम किया है। आप चलिए, आपके पास मुझे बताया जा रहा है वक्त भी बहुत कम है, लेकिन दो सवाल चलते चलते मैं पूछूंगा आपसे। राजकुमार जी से बातचीत हुई आपकी चुनाव जीतने के बाद? देखिए, राजकुमार जी से बातचीत अभी तो नहीं हुई। मैं उस दिन जिस दिन मतगणना थी उस दिन भी चाह रहा था कि उनसे मैं मिलूं, और मैं हमेशा, मैंने जब 2002 का चुनाव हारा तो मैं सबसे पहले जीतने वाले के पास गया, मैंने उनको बधाई दी, उनका जलूस आ रहा था, उस जलूस में मैं बीच में कूद गया और उनको मैंने गले लगाया, उनको बधाई दी। नहीं, मुझे याद है, मैं तभी ये बात आपसे कही, मुझे वो लम्हा याद है, मैं तभी आपसे कह रहा था कि आपकी बातचीत हुई या कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, हाँ देखिए, बातचीत तो नहीं हो पाई, और वो पता नहीं क्यों ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से वो मेरे से कुछ नाराज से रहते हैं ऐसा मुझे लगता है, किंतु मैं उनसे कभी नाराज नहीं हूँ, और ये चुनाव होता है, जनादेश हम सबको स्वीकार करना चाहिए, जो जनता ने निर्णय दिया उसके तहत, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह से कभी होता है, कभी वो जीते कभी हम जीते, तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। माननीय मंत्री के तौर पर जब आप शपथ लेंगे, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, उस दिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया को आपको वक्त देना पड़ेगा। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ, अभी तो विधायक की शपथ होने दीजिएगा, पहले तो आप विधायक की शपथ करवाइएगा, जब विधायक की शपथ हो जाएगी तब आगे की कुछ सोचेंगे। नहीं, मैं पहले से ही आपसे जो है ना टाइम फिक्स करवा रहा हूँ खजानदास जी, मैं फिर आप जानते हैं आज लंबे अरसे से आपसे बातचीत हो रही है। हाँ, बहुत 11 में खूब होती थी बात आपसे। हाँ, बहुत, तो आज लंबे अरसे से बात हो रही है, और मैं भी चाह रहा था मैं आपको सुनता हूँ, हर चैनल जब चैनल में आप बात करते हैं तो मैं आपको सुनता हूँ, ये मेरी खासियत है। और आप इतना, अब क्या बोलते हैं, मैं अब कुछ पत्रकारों के नाम लूं तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, किंतु आप जिसको धोना चाहते हैं वो 2 मिनट में धो भी देते हैं। नहीं नहीं, और आप जिसको उभारना चाहते हैं वो 2 मिनट में उभार भी देते हैं। नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी है। ये देवभूमि का आशीर्वाद और प्रेम है, और आपसे मैंने सिर्फ इतने चलते चलते, लेकिन चलते चलते अधिकारियों को एक बार फिर से बोल दीजिए, अब मैं वापिस आ गया हूँ, छोड़ूंगा नहीं, गलत किया तो छोड़ूंगा। अधिकारियों से तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन्होंने गलतियां की उनको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रहा हो, इसमें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि शहर को स्मार्ट बनाना, ऐसा नहीं कि वहां पे और भी दुर्गति करना। इसके तहत मैं पहले से ही इस आवाज को उठा रहा हूं और इस बात को कह रहा हूं कि सुधर जाओ वरना कार्रवाई होगी। अभी लाइव में कमेंट आ गया, मैं पढ़ देता हूँ, वो कह रहे हैं खजानदास जी हमारी तरफ से खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन मंत्री बनने पर शिक्षा मंत्रालय मत लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच खजानदास जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला आपने।
प्रणाम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ खजानदास जी, जिन्होंने राजपुर सीट से एक बार फिर से परचम लहराया है। इनका कहना यह है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसके लिए तैयार है, लेकिन मंत्रियों के तौर पर जो फहरिस्त तैयार हो रही है उसमें खजानदास जी का भी नाम एक है। अब देखते हैं कि आखिरकार किसकी लॉटरी खुलती है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के घर में इस वक्त जिस चेहरे की सबसे ज्यादा तलाश है वो है मुख्यमंत्री के चेहरे की। उत्तराखंड की सियासत से लगातार ऐसे ही बड़े चेहरों को हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अगली बार होगी एक नई शख्सियत से मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।